प्राइस स्ट्रेटजी को फाइनलाइज करने के बाद डिस्कशन आती है प्राइस स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन की सो so, रिटेलर को उस प्राइस स्ट्रेटजी को कैसे इंप्लीमेंट करना है हम उसकी डिस्कशन करने लगे हैं अपनी आने वाली स्लाइड के अंदर तो मेन डिस्कशन जब हम बात करेंगे तो वो प्राइस पॉलिसी प्राइस स्ट्रेटजी इज ऑलरेडी डन द स्टेप्स आर ऑलरेडी फॉलोड एज पर दी रिटेल ऑब्जेक्टिव अब रिटेलर को उसको इंप्लीमेंट करना है सो so, इफ़ द रिटेलर इज एबल टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट द प्राइस स्ट्रैटेजी वुड बी अ सक्सेस फैक्टर फॉर द रिटेलर अदरवाइज वुड क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर द रिटेलर मैं आपके सामने इंप्लीमेंटेशन के परस्पेक्टिव में कुछ पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले रिटेलर को जो प्राइस स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करनी है उसमें रिटेलर को यह देखना है कि मेरी जो प्राइसिंग है वो कस्टमरी प्राइसिंग है तो मुझे कस्टमरी प्राइसिस को फॉलो करना है या कौन कौन से प्रोडक्ट लाइंस कौन कौन से इसके यूज ऐसे हैं जिसके ऊपर मुझे कस्टमरी प्राइसिंग को फॉलो करना है विच इज़ एवरी डे लो प्राइस विच इज़ अ बचत प्राइस विच इज़ द लोएस्ट प्राइस इन टाउन कॉन्सेप्ट तो आपने कस्टमर को टारगेट करते हुए साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स के ऊपर कौन सी ऐसी प्राइसिंग है जो आपने ऑफ़र करनी है कस्टमर्स को और किन आर्टिकल्स के ऊपर करनी है नॉर्मली ये प्रैक्टिस देखी गई है कि देर आर सेट ऑफ 200 250 आर्टिकल्स जो के कंसिडर किए जाते हैं एज दी कस्टमरी आर्टिकल्स एज दी साइकोलॉजिकल आर्टिकल्स और उन प्राइसिंग उन आर्टिकल्स के ऊपर नॉर्मली एक रिटेलर लो प्राइसिंग इन द टाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करता है और अल्टीमेटली उस प्राइस को इम्प्लीमेंट करता है देन इम्प्लीमेंटेशन uh, के परस्पेक्टिव में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है वो इज़ अबाउट दी वेरिएबल प्राइसिंग सो रिटेलर को ये वैल्यूएट करना है कि एज़ पर दी यील्ड आई हैव टू ऑफर वेरिएबल प्राइसिंग इन द स्टोर किसी जगह के ऊपर मुझे वेरिएबल प्राइसिंग चाहिए किसी जगह के ऊपर मुझे वेरिएबल प्राइसिंग नहीं चाहिए या मुझे ओवरऑल स्टोर के अंदर वेरिएबल प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है इफ़ इट इज़ येस हैज़ टू इम्प्लीमेंट द स्टोर हैज़ टू इम्प्लीमेंट रिलीजियसली ताकि प्रॉपर यील्ड मैनेजमेंट की जा सके देन वन प्राइस पॉलिसी नॉर्मली ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि बाज़त रिटेलर वन प्राइस पॉलिसी के ऊपर चलता है दैट प्राइस पॉलिसी इज़ फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स इज़ फॉर ऑल आर्टिकल्स इज़ फॉर ऑल एस के यूज इज़ फॉर ऑल कैटेगरीज इज़ फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड अल्टीमेटली फॉर ऑल स्टोर तो रिटेलर को ये देखना है कि मैंने वन प्राइज पॉलिसी को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो अगेन अकॉर्डिंगली मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ फिर फ्लैक्सिबल प्राइसिंग के हवाले से क्या स्टोर के अंदर कोई बार्गेनिंग की फैसिलिटी मौजूद है कोई कंटिजेंसी प्राइसिंग की ऑप्शन मौजूद है कि जहां पर अ कस्टमर कैन नीगोशिएट कस्टमर कैन बार्गेन फॉर द प्राइस जिस तरीके से अगर आप ओपन मार्केट में जाएंगे तो यू कैन नगोशिएट यू कैन बार्गेन बेशक वो कुछ लेवल uh, के ऊपर हो कुछ स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर हो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर हो लेकिन इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ द कस्टमर के कस्टमर लाइक दैट इफ ही हैज़ हीज सम

क्या हमें ऑड प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है या कस्टमर इज़ रेडी टू पे फॉर द फुल प्राइस फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड रुपीज़ सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हंड्रेड रुपीज़ दी ऑर्ड प्राइस इज़ दैट यू कैन राइट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन रुपीज़ सो अल्टीमेटली कस्टमर जिस तरीके से बाटा है वो ऑड प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जिस तरीके से मेट्रो है वो ऑड प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास आ, मैंने ऑट प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है इफ़ यस yes, तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन माई स्टोरस फिर लीडर प्राइसिंग कौन कौन से के यूज ऐसे हैं जिसमें मुझे प्राइस लीडरशिप को मेनटेन रखना है कौन कौन से ऐसे एसक यूज़ हैं जहाँ पर मुझे प्राइस लीडरशिप को मेनटेन नहीं रखना सिर्फ अपनी प्राइस कंसिस्टेंसी रखनी है तो रिटेलर को ये भी वैल्यूएट करना है फिर मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या मैंने कस्टमर को मल्टीपल यूनिट या बैक पैक यूनिट या मुझे पैक ऑफ टू पैक ऑफ थ्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके उसके बास्केट साइज को इंक्रीज करना है या मुझे उसको बास्केट साइज को इंक्रीज नहीं करना फॉर एग्जाम्पल इफ आई बाई वन आई विल गेट दिस इफ यू बाई टू यू विल गेट मे बी टेन परसेंट डिस्काउंट और मे बी टू परसेंट डिस्काउंट तो मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग को अभी हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं देन प्राइस लाइनिंग क्या मुझे एज ए रिटेलर आई हैव डिफरेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आई हैव डिफरेंट

इसी तरीके से एग्जाम्पल ऑफ ऑड प्राइसिंग भी हमारे पास है अगर हम देखते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर रिटेल टैक्टिक इस तरीके से यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि फाइव डॉर नाइन्टी सेवन सेंट्स या फॉर एग्जाम्पल नाइन डॉलर नाइन्टी नाइन सेंट्स एंड देन सेवनटीन डॉलर नाइन्टी नाइन सेंट्स समथिंग लाइक दिस या पाकिस्तान के अंदर इट इज टेन पॉइंट नाइन नाइन या इट इज़ ओनली नाइन पॉइंट नाइन नाइन सो सम दिस विच इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स यूज इन रिटेल ऑफ ओड प्राइसिंग दैन वाई वाई यूज़ दिस मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग देर आर अट ऑफ रीजन्स टू इट बट आई स्पेल्ड आउट कुछ ऐसी मेन रीजन्स जो कि स्टोर यूज़ करता है मल्टीपल यूनिट प्राइसिंग के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉलीम जनरेट कर सके और क्यों क्या बेनिफिशरी है क्या स्टोर के लिए ये बेनिफिशियल है क्या कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है इफ़ येस ऑफकोर्स इट ड इंप्लीमेंटेशन वुड भी ईजी तो सबसे पहले point is that a firm could seek to have shopper increase their total purchase of an item. For example, if I buy a one piece of shampoo, of course, it will cost me 400 rupees. If I buy a two pieces of shampoo, so it is a multiple unit. So instead of 800, now I have to pay, let's say, 750 rupees. So I will save additional 50 rupees on the purchase of two. So this will encourage the... Uh, रिटेलर टू ऑफ कोर्स टू सेल मोर दिस विल इनक्रेज द कस्टमर टू बायर इसी तरीके से ये अप्रोच हेल्प करती है स्लो मूविंग आर्टिकल्स को ऑफ सीजन आर्टिकल्स को सीजन आर्टिकल्स को क्विकली uh, सेल करने के लिए बंडल करने के लिए हेल्प करती है कि जहां पर आप किसी बंडलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू सेल वन पिलो विद अनदर पिलो यू वॉन्ट टू सेल मे बी डिटर्जेंट विद समू से बंडलिंग प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो हेल्प दिस विल इंक्रीज दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू टू थिंग्स एक तो टर्नओवर इंक्रीज होगा रिटेलर का दूसरा बास्केट साइज इंक्रीज हो जाएगा कस्टमर का और अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कस्टमर भी है जो कस्टमर को उसका सेविंग हो रही है कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिल रही है और कस्टमर का जो डिलाइट फैक्टर है दैट विल इनक्रीज